हाय स्टूडेंट, सो आज हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। आप कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन जब भी आता है तो आप लोग बहुत टाइम लेते हो उसको करने के लिए, क्योंकि आपको ट्रिक पता ही नहीं है। अगर आप ट्रिक से करोगे तो बहुत ही कम टाइम में आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है अगर उस हिसाब से करोगे, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, 2D पावर में जाता है तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है, तो उसमें आप लोग लैग करते हो। तो इसीलिए आपके लिए हम लाए हैं सबसे ईजिएस्ट एंड सबसे क्विकेस्ट मैथड टू सॉल्व कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, जैसे आपको पता है, 2-3 क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है कंपाउंड इंटरेस्ट से। हर एक पेपर में आपके चाहे वो SBA जूनियर एसोसिएट हो या फिर कोई सा भी पेपर हो, हर एक पेपर में आपके 2-3 क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर पुराने पेपर्स भी आप देखो तो उसमें 2-3 क्वेश्चंस कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट से आता है। बट एज यू नो, सिंपल इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल आपको नहीं होती वहाँ पे, लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल जो आपको होता है वहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है। तो आज हम पहले इस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। आई थिंक आप लोगों को पता भी है कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है एंड कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। तो इन शॉर्ट अगर बताएं तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में जो आपका इंटरेस्ट होता है वो हम जो आपके प्रिंसिपल अमाउंट होता है, जैसे ये प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है, जैसे सपोज आपने 1,000 रुपीज़ का लोन दिया है, तो वो सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा आपका प्रिंसिपल 1,000 रुपीज़ ही होगा, चाहे आप 1 साल के ले लो या फिर 10 साल या फिर 100 ईयर्स। हमेशा आपके जो प्रिंसिपल है वो कंस्टेंट रहता है, ठीक है, और आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट कंस्टेंट रहता है, ROI वो भी कंस्टेंट रहता है, और आपका जो टाइम होता है वो हमेशा ईयरली होता है। हमेशा ईयरली मतलब 2 साल, 3 साल, 1 साल, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, एनीथिंग। तो यही होता है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में मैंने जैसे बताया, जो आपकी प्रिंसिपल है या फिर जिस अमाउंट में आपने लिया था वह हमेशा आपके कंस्टेंट रहेंगे, रेट आपका कंस्टेंट रहेंगे, टाइम आपका कंस्टेंट रहेंगे, ठीक है। एंड सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, या फिर अगर ऐसे बोले तो I इज इक्वल टू PRT भी बोल सकते हैं, PRT/100। ये हमारा फॉर्मूला है, ये आप सभी को याद रखना है, एंड आई थिंक आप सभी को याद है भी, राइट। और जो अमाउंट अगर पूछा जाए कि 1 साल बाद आपका अमाउंट क्या होगा, तो उस केस में हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट को जोड़ देते हैं। तो अमाउंट इज इक्वल टू P+I, दैट इज अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो जैसे मैंने बताया कि इंटरेस्ट, जैसे अगर मुझे 1,000 रुपीज़ मुझे सपोज सिंपल इंटरेस्ट में लेना है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई सा भी हो, उसे 10% हो या 2 साल के लिए, ठीक है, तो 1 साल में ली, वन फर्स्ट ईयर में मेरा इंटरेस्ट कितना होगा, 1,000 × 10/100, ये मेरा इंटरेस्ट होगा जो होगा 1 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट साल के लिए, सेकेंड ईयर के लिए, फिर से मेरा 1 रुपीज़ ही इंटरेस्ट होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी चेंज नहीं होता प्रिंसिपल रेट एंड ईयर, तो ये भी 1 रुपीज़ होगा, तो मेरा टोटल होगा ₹2, ठीक है, ₹2 मेरा टोटल इंटरेस्ट है। क्लियर, क्लियर है, ओके। आई थिंक यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 100 होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए 100, तो मेरा ₹200 मेरा सिंपल इंटरेस्ट है, ओके, फॉर 2 ईयर्स। यहाँ पे चेंज नहीं होता हर एक साल का इंटरेस्ट, चाहे आप फोर्थ ईयर का कर लो, फिफ्थ ईयर का कर लो या फिर 10th ईयर का कर लो, हमेशा आपके जो इंटरेस्ट है या फिर SI है वो हमेशा सेम होंगे फॉर ईच एंड एवरी ईयर। यहाँ पे चेंज नहीं होता आपके जो प्रिंसिपल है, क्योंकि आपका प्रिंसिपल चेंज नहीं होता, आपने जो अमाउंट लोन के लिया था उसी के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका, जैसे अगर मैंने 2 साल के लिए दिया होगा तो 1,000 × 10 × 2/100, ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा 200। तो बस सिंपल एज दैट, जो भी ईयर है उसका चेंज करना है, रेट जिस जो दिया है वो लगाना है, प्रिंसिपल जो आपको दिया जाता है उसी के हिसाब से करना है, वही आपके SI होते हैं। अमाउंट अगर पूछा जाए तो मुझे 1,000 तो देना पड़ेगा ही, 1,000 तो एनीवेज देना पड़ेगा, साथ में मुझे क्या करना पड़ेगा, ₹200 भी देना पड़ेगा, तो मेरा टोटल होगा 1,200, ठीक है, क्लियर। तो ये बहुत ही सिंपल है, इस पे ज़्यादा डिटेल में नहीं चाहेंगे, क्योंकि आई सपोज आप सभी को पता है। लेट अस कंटिन्यू टू कंपाउंड इंटरेस्ट, कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, ठीक है।
तो जैसे आप लोग देख सकते हो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि मनी इज सेड टू बी लेंड एट कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन द इंटरेस्ट व्हिच हैज बिकम ड्यू एट अ सर्टेन पीरियड फिक्स पीरियड 1 ईयर हाफ ईयर एटसेट्रा आर गिवन इज नॉट पेड टू द मनी लेंडर बट इज एडेड टू द सम लेंड. अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे सपोज मैंने 1000 रुपीज़ ही लिया था, सपोज मैंने 1000 रुपीज़ ही लिया था एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स. ठीक है, एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स सी आई. अब एस आई में क्या होता कि 1000 रुपीज़ के अकॉर्डिंग ही हम हर एक साल कंसीडर करते, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट ईयर में 1000 के हिसाब से जाएंगे, फिर 10/100 × 2. ठीक है, क्लियर. तो ये हो जाएगा आपके 200 रुपीज़. ठीक है, 200 रुपीज़ हो जाएगा. तो 200 आपके फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट है. अब सेकेंड ईयर एंड प्रिंसिपल आपका क्या था, 1000. अब सेकेंड ईयर में क्या होगा, सेकेंड ईयर में आपके जो प्रिंसिपल है वो क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट ईयर के प्रिंसिपल है एंड जो फर्स्ट ईयर के आपके एसआई या फिर इंटरेस्ट है वो ऐड हो जाएंगे और आपका प्रिंसिपल हो जाएगा 1200. ठीक है, अब 1200 में क्या होगा, 1200 में आपका 10% आएंगे, सॉरी दिस इज 100 फर्स्ट ईयर के लिए है ना, तो ये 100 है, तो 1100 में आएंगे. तो 1100 में एक साल में कितना आएगा, तो एक साल में एनीवे ज़्यादा ही होगा. देखिए यहाँ पे 110 हो गया, हुआ कि नहीं. अब आपका टोटल कितना होगा, टोटल आपका 1100 पे हो गया ये 110 और आपका फर्स्ट साल में 100 था, तो आपका टोटल आया 210, है कि नहीं. लेकिन हमारा ऐसा ही कितना था, ऐसा ही था हमारा ओनली 200. तो यही डिफरेंस होता है कि यहाँ पे आपका सीआई में क्या होता है, प्रिंसिपल हर एक बार चेंज होता रहेगा एंड जो आपका प्रिंसिपल जो होता है वो हर एक टाइम चेंज होता रहेगा एंड आपका फिर इसी कारण आपका इंटरेस्ट भी हर एक टाइम चेंज होता रहेगा हर एक साल में. और एक चीज़ होता है यहाँ पे आपका एक और आता है, जैसे यहाँ पे और लिखा है कि 1 ईयर हो सकता है, हाफ ईयर हो सकता है या फिर क्वार्टरली. सिंपल इंटरेस्ट हमेशा आपके ईयरली होता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो आपके ईयरली भी हो सकता है, वो हाफ ईयरली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है. ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला की बात करें तो सीआई होता है फाइनल अमाउंट, जैसे अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. ये तो हर एक केस में होगा, चाहे वो आपके सिंपल इंटरेस्ट हो या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट. ओके, लेकिन जो अमाउंट का फॉर्मूला है वो क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 + R/100 to the power t. एंड जैसे यहाँ पे लिखा है अमाउंट इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू अमाउंट पी प्रिंसिपल आर रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली एंड टी आपका नंबर ऑफ ईयर्स. क्लियर है, तो वही, लेकिन हम फॉर्मूला से नहीं करेंगे. लेट अस प्रोसीड, हम क्या करेंगे देखते हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे जैसे फाइंड द एसआई एंड सीआई कंपाउंडेड एनुअली ऑन अ सम ऑफ रुपीस 1000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द गिवन ईयर, ऑल्सो फाइंड द डिफरेंस इन एसआई एंड सीआई. ओके, अब यहाँ पे अगर हम फर्स्ट ईयर के लिए निकाले, सिर्फ एक साल के लिए, 1 ईयर के लिए निकालते हैं, सपोज 1 ईयर के लिए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1000 पे बोला गया है 10% पर एनम, तो फर्स्ट ईयर के लिए हम क्या करेंगे, 10000 एसआई सीधा यही होगा ना, एसआई इज इक्वल टू 10000 इनटू आपका होगा फिर 10/100 × 1. ठीक है, क्लियर, तो ये हो जाएगा 1000. ओके, जो सीआई होगा, एसआई एंड सीआई फर्स्ट ईयर में दोनों सेम होगा, तो सीआई भी 1000 ही होगा. क्लियर, नेक्स्ट सेकेंड ईयर में क्या होगा, अब हम कर रहे हैं फॉर्मूला से, लेकिन हम फॉर्मूला से नहीं करेंगे. ठीक है, फॉर्मूला से हम नहीं करेंगे आप, ताकि आप देख सको कि दोनों का आंसर मिलता है, इसीलिए हम कर रहे हैं कि सेकेंड ईयर में एसआई जो है, सपोज 2 ईयर्स के लिए आपको करना है, तो क्या होगा, 2 ईयर्स के लिए एसआई जो होगा वो होगा 10000 × 10/100 × 2, तो ये हो जाएगा आपके 2000. क्लियर, सीआई क्या होगा, सीआई आपका फर्स्ट ईयर सीआई के फॉर्मूला क्या है, पी बाय 1 + R/100 to the power n - 1, यही है. ठीक है, तो पी है आपके 10000, फिर यहाँ पे है 1 + R मतलब R होगा 10, तो 10/100 मतलब 11/10 हो जाएगा यहाँ पे. क्लियर, 11/10 to the power 2 - 1. ठीक है,
तो ये हो जाएगा 10,000 इंटू 121 बाय 10, 100 माइनस 100 हो जाएगा तो 21 बाय 100 हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद आपका आंसर हो जाएगा 2100, क्लियर, 2100। देखिए कितना कैलकुलेशन की ज़रूरत है, ऑल्सो डिफरेंस भी चाहिए। यहाँ पे तो डिफरेंस आपका ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ डिफरेंस होगा आपका 100, ठीक है, डिफरेंस होगा आपका 100। नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए जो SI है वो हो जाएगा, 3 ईयर्स के लिए SI जो है वो हो जाएगा आपका 3000, ठीक है। एंड अगर CI जो है, CI जो है मैं नहीं करूँगी फार्मूला से, लेकिन अगर फार्मूला से करने के लिए जाओगे आप तो आपका जो CI है वो हो जाएगा 3310, क्लियर, 3310। तो यहाँ पे भी जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना आएगा आपका, डिफरेंस आएगा आपका 310, क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ ईयर के लिए, 4 ईयर्स के लिए जो आपका SI है वो हो जाएगा 4000, क्लियर। एंड जो CI है वो अगर हम करने जाएंगे तो आपका आएगा 4641, तो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है आपके 641, ठीक है। लेकिन दिस इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, इसमें आपको डालना पड़ेगा, आपको सॉल्व करने पड़ेगा, तो हम कैसे करेंगे देखते हैं, ठीक है। तो हम करेंगे लाइन मेथड से। अब लाइन मेथड होता क्या है देखते हैं कैसे आपको करना है, ठीक है। तो देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जितने साल के लिए बोला जाएगा, से सपोज 4 ईयर्स का कंसीडर करते हैं कि 4 ईयर्स का हमें करना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 1 लिख लेंगे, y इज इक्वल टू 2 लिख लेंगे, फिर y इज इक्वल टू 3 लिख लेंगे और y इज इक्वल टू 4 लिख लेंगे, ओके। एंड जितने नंबर्स हमने लगाया, जैसे 1 है तो 1 लाइन लगाएंगे, 2 है तो 2 लाइन लगाएंगे, 3 है तो 3 लाइंस एंड 4 है तो 4 लाइंस, ओके, क्लियर। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ये जो पी है, ये जो प्रिंसिपल है एंड ये जो इंटरेस्ट है उसको करेंगे 1 साल के लिए, तो कितना होगा, 10,000 इंटू 10 बाय 100 इंटू 1, राइट, तो कितना होगा, 1000 होगा। बेसिकली हम इनका SI निकालेंगे, SI निकालेंगे और SI लिख लेंगे, SI फॉर 1 ईयर, SI फॉर 1 ईयर निकालेंगे और उसका सम हम लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने 1000 लिख लिया तो सभी में हम सेम ही लगाएंगे, सभी में सेम, ठीक है। यहाँ पे अगर 1000 1000 1000 1000, ठीक है। अब क्या होगा, आपका जो SI है वो 1 साल के लिए 1000, 2 साल के लिए 1000 प्लस 1000 तो 2000, 3 साल के लिए 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 दैट इज 3000 एंड 4 ईयर्स के लिए 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 दैट विल बी 4000, क्लियर। तो यहाँ नेक्स्ट हम यहाँ क्या करेंगे, CI के लिए हम क्या करेंगे, CI के लिए हम क्या करेंगे, CI के लिए यहाँ पे फिर से 10% करेंगे या फिर आउट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट करेंगे, लेकिन किस पे, इस पे, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट करेंगे इस SI पे, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, 10% ऑफ 1000, ठीक है, 10% ऑफ 1000, तो ये क्या होगा, वो होगा 100, क्लियर। तो आपका जो CI होगा वो कितना होगा, CI फॉर फर्स्ट ईयर तो 1000 है, मिला हमें। सेकेंड ईयर के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड ईयर के लिए CI आपका होगा ये, सेकेंड ईयर का CI होगा 1000 प्लस 1000 प्लस 100 जो है 2100, क्लियर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट अगर यहाँ पे 100 लिखा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्वाइस एक्स, मतलब यहाँ पे जो लिखा है उसका डबल कर देंगे तो हो जाएगा 200, ठीक है। यहाँ पे हम कर देंगे इसका, अगर डबल कर दिया तो इसका करेंगे ट्रिपल, ठीक है, तो 300। बेसिकली अगर ये एक्स है तो हम इसको करेंगे ट्वाइस एक्स, इसको करेंगे 3x, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%, तो 10% निकालेंगे इसका, ठीक है, 10% निकालेंगे इसका, तो कितना होगा, तो होगा आपका 10, क्लियर। तो आपके थर्ड ईयर के लिए कितना है, 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 3000 प्लस 310, देखिए CI कितना आसान है, राइट। नेक्स्ट फोर्थ ईयर के लिए अगर ये 10 हमने लिख लिया, ये सपोज y है तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 3y, मतलब 3 × 10 दैट इज 30, क्लियर, क्लियर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से 10% निकालेंगे, या फिर यहाँ सिंस रेट है आप 10%, तो हम 10% बोल रहे हैं, अगर रेट आपका 5% होता तो 5% निकाल दे, तो 10% निकालेंगे इस पे, तो 10% 10 का क्या होगा, 1 रुपये, राइट। तो टोटल
फोर्थ ईयर में सीआई कितना होगा? फोर्थ ईयर में सीआई होगा, फोर इयर्स में सीआई होगा पूरा, ठीक है? तो कितना? 4641 मिला आपको, मिला बस, ठीक है? एंड जो अगर डिफरेंस अगर पूछा जाए, जैसे फोर इयर्स में ये देखिए, ये पूरा है आपका एसआई एंड ये पूरा आपका सीआई है, तो डिफरेंस कितना होगा? डिफरेंस आपका ये है, क्लियर? डिफरेंस आपका बाहर के पोर्शन जो है वही होगा आपके डिफरेंस, क्लियर है कि नहीं है? बताइए क्लियर है कि नहीं है? बाहर के पोर्शन जो होगा वही आपके डिफरेंस हो जाएगा, यही आपके डिफरेंस है, ठीक है? ये आपके डिफरेंस इन सीआई एंड एसआई है, क्लियर? डिफरेंस इन सीआई एंड एसआई ये हो जाएगा, ये आपके एसआई है एंड पूरा आपका सीआई है एंड ये हो जाएगा आपके डिफरेंस इन सीआई, क्लियर? क्लियर है कि नहीं है बताइए, क्लियर है कि नहीं? एंड देखिए इट्स टोटली फुल प्रूफ, यहाँ पे जो होता है यहाँ पे भी वही होता है, ठीक है? तो हम इसी लाइन मेथड से करेंगे, ठीक है? तो देखिए फिर से एक बार करते हैं, कैसे करना है हमें? सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेंगे y इज इक्वल टू 1, फिर उसके बाद y इज इक्वल टू 2, सपोज 4 इयर्स के लिए निकालना है, देन y इज इक्वल टू 3, देन y इज इक्वल टू 4, देन उस केस में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिर यहाँ पे अगर 2 है तो 2 लाइंस, 3 लाइंस तो 3 लाइंस, 4 तो 4 लाइंस, ओके? फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो रेट ऑफ परसेंट है उसको हम निकालेंगे, जो रेट ऑफ पर्सन आपको दिया जाएगा उसका हम प्रिंसिपल निकाल लेंगे एक साल के लिए, उसका हम प्रिंसिपल निकाल लेंगे एक साल के लिए, बेसिकली हम निकाल रहे हैं एसआई फॉर वन ईयर, ठीक है? एसआई फॉर वन ईयर क्या होगा? एसआई फॉर वन ईयर होगा 10% ऑफ 10,000, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका 1,000, तो 1,000 लिखेंगे यहाँ, यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे एंड यहाँ भी लिखेंगे, क्लियर? फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद फिर से हम निकालेंगे 10%, जो आपका 10% जो भी रेट आपको दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे 10% है तो 10% निकालेंगे किसका? इसका, तो इसका 10% निकालेंगे तो कितना होगा? 100, 10% ऑफ 1000 इसका मतलब है 100, तो 100 यहाँ अगर लिखा तो यहाँ अगर 100 है तो यहाँ हम लिखेंगे 200, यहाँ लिखेंगे 300, क्लियर? नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसका 10% निकालेंगे, 10% निकालेंगे तो होगा 10, यहाँ अगर हमने लिखा ये अगर 10 है तो यहाँ लिखेंगे 3y, दैट इज 30, क्लियर? फिर इसका हम निकालेंगे 10%, ठीक है? यहाँ जो मैं 10% बता रही हूँ वो है आपके रेट परसेंट, ठीक है? जो भी रेट परसेंट है उसी के हिसाब से करना है, तो ये इसका है, ये इसका है एंड ये इसका होगा, तो ये हो जाएगा 1, तो आपके सी आई कितना होगा? टोटल आपके सी आई होंगे तो 4641 हमारा सी आई हो जाएगा 4 ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए अगर पूछा जाए तो इतना ही हमारा सी आई हो जाएगा, क्लियर? ओके, 2 ईयर्स के लिए इतना एंड सो ऑन, अगर डिफरेंस पूछा जाए तो ये आपका बेसिकली ये आपका 4 ईयर्स का एसआई है एंड ये हो जाएगा आपके डिफरेंस, तो डिफरेंस हो जाएगा 641, क्लियर है? प्रोसीड करें फिर, ओके, तो बस प्रोसीड करते हैं आपके लिए, फिर यहाँ पे आपका आंसर तो आपको एनीवेज मिल गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे वही बेसिकली सेम फॉर्मूलाज को हमने फॉर्मूला के हिसाब से रखा है, तो यहाँ पे वही लिखा है वाई अगर 1 है तो एक्स होगा। देखिए गाइस यहाँ पे 4 साल से ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ हम नहीं लगा रहे वहाँ पे 4 ईयर्स के ज़्यादा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन ज़्यादा जहाँ तक हमने अभी तक देखा है 4 ईयर्स के ऊपर क्वेश्चन आया ही नहीं है, तो 4 ईयर्स तक ही सफिशियंट है आपके लिए, ठीक है? तो वही है कि एक्स हमने रखा है यहाँ पे, एक्स क्या होता है? पी आर बाय 100 होता है, फिर उस केस में एक्स 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 हो गया, फिर उसके बाद वाई अगर है फिर यहाँ पे वाई लगाना है, वाई किसका है? इसका पी आर बाय 100 हो जाएगा, लेकिन इसका जिसमें आर एक्स है, जिसमें पी एक्स है, ठीक है, क्लियर? फिर उसके बाद वाई अगर ये वाई है फिर ये 2y फिर ये 3y हो जाएगा, फिर नेक्स्ट में जेड निकालेंगे, जेड क्या है? पी आर बाय 100 है, लेकिन पी क्या है? वाई है, P आपका Y है, मतलब इसका आपको निकालना है बेसिकली, अगर ये Z है तो ये 3Z हो जाएगा, फिर उसके बाद A निकालेंगे, A क्या है? PR by 100, लेकिन P किसका? ये, क्लियर? P ये होगा, क्लियर? तो वही होता है आपके कंपाउंडिंग, तो कंपाउंडेड एनुअली है तो ऐसे करेंगे, क्लियर? नेक्स्ट
अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो हम कैसे करेंगे? हम बिल्कुल सेम मेथड अप्लाई करेंगे, बिल्कुल सेम ही मेथड अप्लाई करेंगे, बस आपको थोड़ा सा चेंजेस करना है. क्या चेंजेस करना है कि अगर हाफ ईयरली बोला जाए तो जो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा उसको डिवाइड करना है 2 से. ठीक है, सपोज आपको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा तो आपको करना है 10/2, दैट इज 5%. क्लियर? एंड जो भी आपको टाइम मिलेगा, जो भी आपको टाइम मिलेगा उसको करना है इंटू टू, मतलब 3 × 2 करना है आपको हाफ ईयरली के लिए. तो जैसे अगर 2 ईयर्स बोला जाए तो आपको निकालना है 4 ईयर्स. क्लियर? तो y=4 करके आपको करना है, बस. वेरी सिंपल, इसी मेथड से हम करेंगे, सारे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा. नेक्स्ट, अगर क्वार्टरली बोला जाए, अगर क्वार्टरली बोला जाए तो हम क्या करेंगे? क्वार्टरली बोला जाए, जैसे हमने हाफ ईयरली में क्या किया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड किया था एंड टाइम को मल्टीप्लाई किया था 2 से, तो क्वार्टरली में क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से डिवाइड करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से डिवाइड करेंगे एंड टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. सिंपल एज दैट. क्लियर? तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सीधा. फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे लिखा है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹20,000 फॉर 1.5 ईयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली. अब देखिए, हाफ ईयरली अगर है तो इसका मतलब जो टाइम है वो क्या होगा, 1.5 इंटू 2 होगा, इसका मतलब 3 ईयर्स. तो हमें करना है 3 साल के लिए. तो y=1, y=2, y=3 कंसिडर करेंगे. ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले SI निकाल लेंगे. अब रेट जो है, रेट है यहाँ पे 10% पर एनम, लेकिन ये हाफ ईयरली है तो रेट कितना होगा, 10/2 तो 5% हो जाएगा. तो 5% निकालेंगे 20,000 का, तो 5% 20,000 का कितना होगा, देखिए 5% मतलब 20, तो 20/1000, 20,000/20 कितना होगा, 1000, राइट? ये होगा 1000. क्लियर? अब यहाँ पे भी तो ये भी होगा 1000, ये भी होगा 1000. फिर उसके बाद 5% निकालना है इसका, 1000/20 तो होगा 50. क्लियर? ये अगर 50 है, ये हो जाएगा 100. क्लियर? फिर उसके बाद इसका 5% मतलब 50/20, तो 0 0 कैंसिल, तो 5/2 हो जाएगा आपके 2.5. तो आपका CI कितना होगा, CI होगा आपके 3000. सबको प्लस करना है, 1000, 2000, 3000, 3150 + 2, 152.5, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में है, 3152.5. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करें. कोई डाउट है तो बताइए जल्दी से, फिर से सॉल्व करेंगे. बहुत ही ज़्यादा सिंपल है यहाँ पे, बस हमें क्या करना है, जब भी हाफ ईयरली हो तो टाइम को डबल करना है एंड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको डिवाइडेड बाय 2 करना है. एंड सारे वही सेम मेथड, अगर रेट 5% है तो 5% निकालेंगे इसका 20,000 का, तो सभी को लिख लेंगे यहाँ पे. फिर उसके बाद 5% निकालेंगे इसका, 5% इसका, फिर 5% इसका. ठीक है, ये अगर x है तो ये हो जाएगा 2x. क्लियर? बहुत ही ज़्यादा सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा. तो यहाँ पे लिखा है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 1 ईयर एट 12% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली. अब क्वार्टरली अगर बोला गया है, जो टाइम है वो क्या होगा, 1 × 4, जो टाइम है वो 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको कंसीडर करना है 4 ईयर्स के लिए. एंड जो रेट है वो क्या करना है, 12% / 4 तो होगा 3%. क्लियर? फिर उसके बाद वही हमारे सेम लाइन मेथड, y=1, y=2, y=3 and y=4. ठीक है, क्लियर? तो वही करेंगे हम. ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3% निकालेंगे. 3% निकालेंगे किसका, 10,000 का. तो 3% अगर 10,000 का निकालते हैं हम, 0 0 कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 300. क्लियर? तो यहाँ पे भी 300, यहाँ भी 300, यहाँ भी 300, राइट? फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे फिर से 3% निकालेंगे किसका, 300 का. 3% अगर निकालेंगे 300 का तो 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 × 3 9. ये अगर 9 है, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 27. क्लियर? नेक्स्ट, इसका 3% निकालेंगे, तो 3% ऑफ 9 मतलब 3 × 9 27, 27/100 तो 0.27.
ठीक है, ये अगर 0.27 है, ये हो जाएगा 3y, मतलब 0.27 इंटू 3 जो होगा 0.81, क्लियर। देख ये अगर 27 तो फिर से आपको निकालना है 3% ऑफ 0.27, तो कितना होगा 3% ऑफ 0.27, मतलब 3 इंटू 0.27 तो ये हो जाएगा 0.81/100, इसका मतलब है 0.0081। तो यहाँ पे बस सॉल्व करना है आपको, तो ये हो जाएगा 12 3 3 3 4 3, तो 12 हो गया, 1200 1200। फिर यहाँ पे देखिए 1 प्लस, फिर अगर लास्ट से करेंगे ना, लास्ट से करेंगे तो 0.81 हो गया, फिर 7 प्लस 1 8 हो गया, 8 प्लस 2 10 हो गया, 1 कैरी 1, तो फिर यार 10 हो गया, एंड 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 10 25, तो 5 कैरी 2 कैरी, तो 2 प्लस 1 3 3 प्लस 2 5, तो 1255 1255.0081 आपके CI है, जो ऑप्शन नंबर डी में है, क्लियर। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, पॉइंट वाइज अगर फॉलो करोगे तो बहुत ही जल्दी क्वेश्चन आपका निकल जाएगा, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे हो कि ऐसे क्वेश्चन तो आते हैं नहीं, बहुत ही सिंपल इतने क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, तो मुश्किल क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो वो भी आपके लिए है, वो भी हम लाइन मेथड से ही करेंगे। तो कैसे करेंगे देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 फॉर 1 ईयर एट 4% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली, ठीक है। तो कंपाउंडेड ईयरली अगर है तो इसका मतलब क्या है कि 5,000 फॉर 1 ईयर एट 4% पर एनम ईयरली एनुअली, मतलब एक साल के लिए, तो वो तो आपके ऐसा ही हो गया सीधा, राइट। तो 5,000 इंटू 1 इंटू 4/100, ठीक है, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपकी 200। फिर आपको बोला गया है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अब हाफ ईयरली अगर होगा तो y जो होगा, जो t आपका होगा, वो हो जाएगा 2 टाइम्स, तो 2t हो जाएगा 2 ईयर्स, एंड जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो हो जाएगा हाफ, दैट इज 4/2, दैट इज 2% हो जाएगा। तो यहाँ पे वही करेंगे, y=1 y=2, तो ये हो गया, तो 2% निकालना है किसका, 5000 का, तो 2% अगर 5000 का निकालेंगे तो ये 0000 कैंसिल, तो 2 into 50 100, तो 100 यहाँ हो गया, यहाँ भी 100 होगा, तो फिर से इसका निकालना है आपको 2%, तो 2% अगर निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 2, क्लियर। तो यहाँ पे सीधा आप ऐसे भी करते तो भी आपका निकल ही जाता कि यहाँ पे जो भी आपका है वो ही आपके डिफरेंस होगा। डिफरेंस मैंने पहले ही बोला था, आप देखिए हाफ ईयर, ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली है लेकिन अल्टीमेटली है तो एक ही साल, तो यहाँ पे जो बच जाएगा वही आपके डिफरेंस होगा, राइट। तो आपका डिफरेंस होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ट्रू, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसेस करें फिर, ओके। तो आपको बोला गया है द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर्स आर ₹8,400 and ₹8,652 रेस्पेक्टिवली, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। आपको निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे कैसे, वेरी सिंपल। देखिए ये कंपाउंड इंटरेस्ट बोला गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 8652, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट है 8652 एंड साल है 2 साल के लिए, तो y=1 y=2, क्लियर। तो ये 2 लाइंस यहाँ पे, अब मैंने पहले भी बोला था कि ये जो होता है वो इक्वल हो जाता है SI का, तो SI का इक्वल होगा, मतलब यहाँ पे जो होगा यहाँ पे भी ये होगा, तो 2 into SI = 8400, राइट। तो यहाँ पे कितना होगा 4200 and 4200, सिंपल एज दैट, है कि नहीं, 4200 and 4200। अब यहाँ पे जो रिमेनिंग है वो SI है, तो इसका मतलब जो उनका डिफरेंस है वो कितना होगा, वो होगा आपके 252। अब 252 किसका है, इस पे है ना, इस पे है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट एक साल के लिए, तो दैट इज r into r/100 into 4200 जो है वही आपके 252 हो जाएगा, है कि नहीं, राइट। फिर यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपके 42, ये हो जाएगा आपके 21 126, ओके। फिर 3 से अगर करोगे तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4 42, सो 7 into 6, तो रेट परसेंट जो है वो हो जाएगा आपके 6%, वेरी सिंपल, राइट। क्लियर है कि नहीं है, बताइए। ये पहले भी बोला है कि यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे जो होता है वो आपके SI होता है, राइट, एंड जो टोटल होता है वो होता है CI, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर
6 जो यहाँ लिखा है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 3% पर एनम आफ्टर 2 इयर्स इज रुपीस 487.2 फाइंड द अमाउंट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन ऑन द सेम सम ऑफ द मनी एंड द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 2 इयर्स तो वही है अगर 2 इयर्स है तो वही करेंगे y इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2 ठीक है ओके अब आपको पूछा गया है कि सर्टेन सम ऑफ मनी पे 3% पर एनम इंटरेस्ट पे इतना है तो टोटल जो है ये जो टोटल है वो है आपके 487.2 ठीक है 487.2 अब यहाँ पे जो भी x होगा वो यहाँ पे भी होगा तो बेसिकली ट्वाइस x प्लस यहाँ पे जो अमाउंट होगा y होगा वही आपके 487.2 है राइट तो हम यहाँ से ऐसे भी तो कर सकते हैं कि यहाँ पे हम ऑप्शन से कर सकते हैं सीधा तो यहाँ पे 100 से 110 रख लिया 110 रख लिया तो यहाँ पे आपका क्योंकि ये देखिए ये आपके SI पूछ रहे हैं तो SI का मतलब क्या होगा SI होगा आपके ट्वाइस x तो इसका मतलब ये जो ट्वाइस x है वही SI है वही आपके ऑप्शंस में है तो SI आपके 220 अगर है तो यहाँ पे 110 होगा यहाँ पे 110 लेकिन इस पे अगर आप 3% करोगे भी तो अभी आपको 487.2 नहीं मिल सकता तो 220 भी नहीं हो सकता 240 भी नहीं हो सकता ठीक है तो यहाँ पे हम ट्राई करते हैं 440 होगा कि नहीं तो 440 के लिए 220 कर लिया यहाँ पे 220 कर लिया और इस पे 3% अगर निकालेंगे तो 3% ऑफ 220 अगर निकालोगे तो आपको कितना आना चाहिए अब देखिए ये हो गया आपका फिर 3 × 22 जो होगा 66 तो 6.6 तो 220 प्लस 220 440 हो गया 440 प्लस 6.6 तो ये 487.2 तो नहीं आया राइट तो ये तो नहीं है तो देखते हैं 480 आपका है या नहीं है तो 480 के लिए यहाँ 240 लगाएंगे यहाँ पे भी 240 तो ये हो गया 480 तो इस पे 3% तो 3/100 × 240 कितना होगा ये तो 3 × 24 4 × 2 होगा आपके 4 × 3 होगा 12 वन कैरी 3 × 2 6 72 तो 7.2 यहाँ आ जाएंगे तो यही आपके आंसर है तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो है 480 क्लियर लाइन मेथड से ऐसे करोगे तो बहुत जल्दी होगा ज़्यादा आप डिफिकल्ट भी नहीं होगा आपके लिए क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं फिर ओके तो यहाँ लिखा इन हाउ मेनी ईयर्स कंपाउंडेड हाफ ईयरली वुड रुपीज 5000 बिकम रुपीज 5788.125 एट 10% पर एनम इंटरेस्ट ठीक है तो आपको ये देख के रखा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया है तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका इन हाउ मेनी ईयर्स तो जो जितना भी ईयर्स होगा उसके मतलब जो टाइम है उसको हमने कर दिया है 2t ठीक है तो जो भी आपको यहाँ पे मिलेगा उसको डिवाइड करना है 2 के साथ ठीक है एंड जो 10% रेट जो है वो अगर 10% पर एनम है तो उसको हम करेंगे डिवाइड 2 के साथ तो हो जाएगा आपका 5% एंड ये आपका पी है 5000 ठीक है तो करेंगे वही स्टार्ट करते हैं y इज इक्वल टू 1 अगर है तो यहाँ पे तो हो जाएगा 5% होगा 5000 का ठीक है या फिर सीधा हम बोल सकते हैं 20 डिवाइडेड बाई 20 टू 0 500 टू 250 ठीक है 250 होगा बेसिकली आपको डिवाइड करना है 20 के साथ तो 250 होगा एनी वेज आपका देखिए टोटल आपका डिफरेंस कितना है डिफरेंस आपके या फिर जो सी आई है वो कितना है सी आई है आपके 788.125 तो टोटल आपका 788.125 आना चाहिए तो फर्स्ट ईयर के लिए तो नहीं है नेक्स्ट आपके है सेकेंड ईयर के लिए तो सेकेंड ईयर के लिए यहाँ भी 250 आएगा तो ये टोटल हो गया 500 तो यहाँ फिर 5% हो जाएगा तो 250 डिवाइडेड बाई 20 तो ये हो जाएगा 00 कैंसिल 25 डिवाइडेड बाई 2 होगा 12.5 क्लियर यहाँ पे भी अगर आप करोगे तो 512.5 हो गया तो ये तो नहीं है नेक्स्ट थर्ड ईयर के लिए देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 250 ठीक है तो ये हो जाएगा 750 यहाँ 12.5 है तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 × 12.5 जो होगा 25 ठीक है फिर उसके बाद यहाँ 12.5 डिवाइडेड बाई 20 राइट तो इसका मतलब है ये होगा 6 12.5 डिवाइडेड बाई 20 12.5 डिवाइडेड बाई 20 अगर आप करोगे तो यहाँ आपको मिलेगा 2 से अगर हम करेंगे तो 6.25 मिलेगा लेकिन यहाँ पे 0 1 है तो 0.625 क्लियर
तो इसको अगर आप सम करोगे तो आपको मिलेगा 750 प्लस 12.5 प्लस 25 तो 750 प्लस 25 775 प्लस 12 होगा आपके 775 प्लस 12 आपका होगा 777 7787 ठीक है तो 5787 87.5.625 मतलब 0.8.125 ठीक है तो यही आपके आंसर आया राइट 788.125 एंड और एक चीज़ आप देख सकते हो जब भी ऐसा प्रॉब्लम आए तो आप थोड़ा बहुत अंदाजे से भी लगा सकते हो कि अगर CI आपका 788 मिलना है ये हमें पता है 250 तो इसको अगर हम 250 से डिवाइड करेंगे तो आपके 3 ईयर्स के करीब आएगा 4 ईयर तो नहीं आएंगे 4 ईयर तो ज़्यादा हो जाएगा है कि नहीं तो 3 ईयर्स के करीब ही आएंगे तो आपका आंसर 3 ईयर्स है सीधा आप ऐसे ही बोल सकते हो ठीक है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है SI अगर होता तो 750 सीधा आ जाता तो डिवाइडेड इक्वली डिविजिबल होता लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पे जो डिवाइड करके जो आपको मिलेगा कुछ ना कुछ तो रिमाइंडर डेफिनेट है कि मिलेगा ही लेकिन वही आपके साल हो जाएगा तो Y जो है वो हो जाएगा 3 लेकिन हमने क्या कंसीडर किया था हाफ ईयरली तो इसको करना है डिवाइडेड बाई 2 क्योंकि जब भी हम ऐसे करते हैं हाफ ईयरली में तो हम डबल कर लेते हैं तो जब आप एक्चुअली निकालो तो आपको करना है डिवाइडेड बाय 2 तो यहाँ पे 1.5 ईयर्स हो जाएगा जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बहुत सिंपल है क्वेश्चंस कोई भी अगर डाउट है तो बता देना मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका लिखा है डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फोर्थ ईयर लिखा गया है ठीक है अब यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सोचते हैं कि 4 ईयर्स के लिए डिफरेंस जो है वो इतना है ये नहीं बोला गया है आपको बोला गया है कि जो फोर्थ ईयर है उसका जो डिफरेंस है वो है 7280 ठीक है तो 20% पर एनम व्हाट इज़ द प्रिंसिपल सम तो हम ये कंसीडर करते हैं कि चलो लेट एक्स जो प्रिंसिपल है वो है हमारा एक्स तो आपका जैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट में करते हैं तो y इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4 ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा 20% ऑफ दिस तो 20% का मतलब क्या होता है x 1/5 तो वही 1/5 ऑफ x मतलब x बाई 5 ये हो जाएगा फिर x बाई 5 ये हो जाएगा x बाई 5 और ये हो जाएगा x बाई 5 ठीक है फिर उसके बाद यहाँ क्या होगा x by 1 by 5 of x by 5 तो इसका मतलब x by 25 ये हो जाएगा twice x by 25 ये हो जाएगा 3x by 25 फिर इसका तो x by 25 1 by 5 of x by 25 तो इसका मतलब है x by 125 तो ये हो जाएगा 3x by 125 ठीक है एंड फिर इसका 1 by 5 of x by 125 ये कितना होगा x by 625 क्लियर आपको क्या बोला गया है कि फोर्थ ईयर में जो SI है वो कितना है x by 5 जो CI है बस फोर्थ ईयर में ठीक है 4 ईयर्स के बाद हम नहीं कर रहे हम बात कर रहे 4 ईयर्स के बाद नहीं हो रहे हम बात करें ओनली फोर्थ ईयर में बाकी ईयर ये फर्स्ट ईयर के हैं ये सेकंड ईयर के हैं ये थर्ड ईयर के हैं तो फोर्थ ईयर के बीच में जो SI एंड CI के बीच में डिफरेंस होगा वो होगा आपका ये तो SI जो है वो x by 5 है CI पूरा है तो इसका मतलब जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा वो 3x by 25 3x by 25 प्लस 3x by 125 प्लस x by 625 ये आपका कितना होगा 7280 तो यहाँ से हम अगर सॉल्व करेंगे ये देखिए 625 होना है तो into 25 ठीक है ये होगा into 5 ठीक है तो ये 625 तो यहाँ पे होगा 75 प्लस 15 तो 75 प्लस 15 90 प्लस 1 91 x इज इक्वल टू 7280 into 625 क्लियर तो यहाँ अगर 7 से हम करेंगे ये हो जाएगा 1040 ये हो जाएगा 1 एंड 2130 तो 1040 हम कर सकते हैं इजीली 1040 कितना होगा 8 13 into 8 1040 होता है तो 80 हो गया 80 into 625 तो 625 into 80 अगर करोगे तो आपको मिलेगा 50,000 क्लियर तो आपका आंसर होगा 50,000 बहुत ही सिंपल है बहुत ज़्यादा सिंपल है बस इतना यहाँ पे मुश्किल था कि 4 ईयर्स नहीं दिया गया था फोर्थ ईयर दिया गया था ओके तो फोर्थ ईयर फिर सेकेंड ईयर की SI थर्ड ईयर की SI x by 5 है
थर्ड ईयर की जो सी आई है वो एक्स बाई फाइव प्लस ट्वाइस एक्स बाई 25 प्लस एक्स बाई 125 ये होगा, क्लियर। तो वैसे ही फोर्थ ईयर का हमने निकाला तो जो डिफरेंस है वो बस इतना है, तो वही आपको करना है, क्लियर। क्लियर है कि नहीं बताइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसेस करें फिर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे आपका वो लिखा है कि इफ ए सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू ट्राइस इटसेल्फ इन 3 ईयर्स एंड इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बी 9 टाइम्स इटसेल्फ। ठीक है, अगर आपको देखे रखा है कि एक सम ऑफ मनी है कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट करते हैं थ्राइस इटसेल्फ इन 3 ईयर्स, मतलब 3 टाइम्स बन जाते हैं, 3 टाइम्स बन जाते हैं 3 साल में, ठीक है, 3 ईयर्स में। तो आपको पूछा जा रहा है कि 9 टाइम्स कितने साल में बनेंगे। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो, एक आपका फॉर्मूला होता है सी आई का, सी आई में जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो वो फॉर्मूला होता है एन टू इज इक्वल टू एन वन टू डी पावर टी टू बाई टी वन। ठीक है, एन वन टू डी पावर टी टू बाई टी वन। तो ये एन टू एन वन क्या होता है, एन टू जो होता है, एन टू मतलब सेकेंड टाइम क्या होगा, सेकेंड टाइम कितना टाइम्स होगा। ठीक है, ये होता है एन वन। ठीक है, ये जो 3 ईयर है वो है आपके टी वन एंड ये जो है आपके वो है टी टू। एन होता है नंबर ऑफ टाइम्स, बेसिकली एन जो है वो नंबर ऑफ टाइम्स है। वन मतलब इनिशियली, टू मतलब फाइनल। तो फाइनल यहाँ पे 9 है तो ये है 3, तो ये होगा टी टू बाई 3। ठीक है, अब यहाँ पे 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टी टू बाई 3। तो अगर दोनों सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, 2 इज इक्वल टू टी टू बाई 3। तो इसका मतलब जो टी टू है वो कितना होगा, 6 ईयर्स। तो आपके आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 6 ईयर्स। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसेस करें फिर। ओके, तो क्या है यहाँ के फॉर्मूला क्या है, एन टू इज इक्वल टू एन वन बाई टू डी पावर टी टू बाई टी वन। क्लियर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये खाली सी आई के सी आई में होता है, एस आई वाले फार्मूला कुछ और है, उसमें हम अभी नहीं जाएंगे, जब एस आई करेंगे उसमें तब हम करेंगे। लेकिन जो सी आई के लिए फार्मूला है वो है एन टू इज इक्वल टू एन वन बाई टी टू बाई टी वन। एन होता है नंबर ऑफ टाइम्स एंड टी होता है टाइम। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स एंड टी होता है टाइम। क्लियर, वन इनिशियल होता है एंड जो टू है वो है फाइनल। ठीक है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं 10। तो यहाँ लिखा है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 ईयर्स एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज रुपीज 1025 एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम सेम टाइम एंड सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 1000। देन फाइंड द सीआई फॉर द सेम सम इन 3 ईयर्स। अब यहाँ पे 2 ईयर्स के लिए बोला गया है तो वो करेंगे y1 इज इक्वल टू y2। तो आप सिंपल इंटरेस्ट अगर 1000 है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसका मतलब है 1000 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका मतलब यहाँ पे होगा 500, यहाँ होगा 500। क्लियर, फिर उसके बाद ये जो बचा हुआ है वो हो जाएगा 25 यहाँ पे। अब इसका मतलब ये अगर 25 है तो रेट कितना है, क्योंकि ये जो 25 है वो इस पे ऊपर है, तो R by 100 into 500 is equal to 25। तो इसका मतलब जो R है वो कितना होगा, R होगा आपके 5। क्लियर, तो आपको क्या बोला गया है, सी आई निकालना है थर्ड ईयर के लिए, तो थर्ड ईयर के लिए सी आई निकालेंगे तो ये हो जाएगा 500, ये डबल हो जाएगा तो 50, ये हो जाएगा 5% ऑफ 25। तो 5% ऑफ 25 मतलब 25 डिवाइडेड बाई 20 जो होगा आपका 12.5 मतलब 1.25। क्लियर, 1.25 हो जाएगा। क्लियर, 5% ऑफ 125 बाई 100 तो 1.25 ही होगा। तो टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 1500 प्लस 75 प्लस 1.25 तो आपके ऑप्शन नंबर डी में है। क्लियर, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, आई थिंक समझ में आ गया होगा। हमेशा अगर 3 साल के एसआई पूछा जाए तो 3 साल के एसआई इतना है 15,000। क्लियर, ये होता है एसआई एंड टोटल होता है सीआई एंड जो डिफरेंस होता है वो यहाँ होता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये है आपके सम ऑफ रुपीज 343 बिकम्स 512, मतलब ये जो है 343 ये आपके प्रिंसिपल है बिकम्स 512 मतलब अमाउंट है इन 3 ईयर्स में आपके 3 ईयर्स एट सी आई में आपके
इतना होता है, डिफाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये बिल्कुल सिंपल है, इसके लिए कोई ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं है। अमाउंट इज इक्वल टू क्या है, प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 टू द पावर n, है कि नहीं। तो अमाउंट कितना है 512, ठीक है। एंड प्रिंसिपल अगर इस साइड लेके आएंगे तो 343 इज इक्वल टू 1 + R/100 टू द पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पे ये अगर टू द पावर 3 है तो 512 को हम क्या लिख सकते हैं, 8³, एंड 343 को 7³। तो 8/7³ एंड 1 + R/100 टू द पावर क्यूब। तो क्यूब क्यूब कैंसिल करते हैं, 8/7 इज इक्वल टू 1 + R/100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8/7 - 1, तो 8 - 7/7 इज इक्वल टू R/100, ठीक है। तो 1/7 हो गया, 1/7 इज इक्वल टू R/100, तो R जो होगा वो क्या होगा, 100/7। तो 100/7 का मतलब है 7 × 1 = 7, फिर 30 मतलब 28 = 4, तो 14 2/7%, जो ऑप्शन नंबर ए में है। वेरी सिंपल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 12। एट व्हाट रेट परसेंट विल द कंपाउंड इंटरेस्ट एट कंपाउंड इंटरेस्ट डज द सम ऑफ मनी बिकम 16 times in 4 years, 16 times 4 years में बनेंगे। तो इसका मतलब वही, हम अमाउंट जो है वो बनेगा 16 times, अमाउंट जो है वो 16 × P बनेगा। तो 16 P इज इक्वल टू P 1 + R/100 टू द पावर 4। तो ये P कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 to the power 4, 1 + R/100, ठीक है, क्लियर। 2 to the power 4 कैंसिल, तो 2 इज इक्वल टू 1 + R/100, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू R/100, तो R कितना है, R इज 100%, क्लियर, वेरी इजी, ओके। सो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। ऐसे अगर आप ट्रिक से क्वेश्चन करोगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा। अगर तब भी आपको डाउट है कहीं पे भी, कहीं अगर नहीं बन रहा है कोई सा भी क्वेश्चन, देन यू कैन डेफिनेटली आस्क अस। सो स्टे कनेक्टेड, बहुत ही जल्दी अब और भी ट्रिक्स लेके आएंगे आपके लिए, ताकि आपको प्रिपरेशन में हेल्प हो। सो स्टे कनेक्टेड एंड प्रिपेयर वेल।